जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। दिल्ली पंजाब में बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग और साथ ही बड़े सिख नेता समेत चार लोगों की हत्या की योजना। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आईडी धमाके की ये बड़ी साजिश। एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से लगातार हुई गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के तहत ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। और उस बीच इस नेक्सस के साथ सब इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए कैसे आईएसआई के K2 डेस्क की ये बड़ी साजिश सामने आ चुकी है। चौंकाने वाले खुलासे, आतंकी नौशाद जगजीत सिंह ने युवक को कत्ल किया और साथ ही देखिए किस तरीके से तालिबानी अंदाज में कूड़ा बीनने वाले युवक की ये हत्या की गई है। बड़ी बात यह है, मीट काटने वाले चाकू से 1.5 मिनट तक गर्दन को पहले काटा गया और हत्या करने के बाद शरीर के 8 से 10 टुकड़े कर दिए गए और गर्दन और शरीर के टुकड़े करने का ये बकायदा वीडियो बनाया गया। वीडियो क्यों बनाया गया ये भी जान लीजिए, ताकि तालिबानी लड़ाकों का वीडियो देखकर जिस तरीके से गर्दन काटने का ये एक प्रयास था, वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बड़ी वारदात को अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम है। वीडियो भेजने के बदले में नौशाद को 6 लाख रुपए मिले और देखिए किस तरीके से यहां ये कोशिश की गई कि अगर वो उस टारगेट को अंजाम देते हैं तो बकायदा उसके लिए उन्हें बड़ी रकम भी मिलेगी। अब पंजाब में बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग को लेकर भी ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां बड़े सिख नेता समेत चार लोगों की हत्या की ये योजना के तहत लगातार आपको बता रहे हैं। टारगेट किलिंग का ये प्लान था, हत्या करने वाले नेताओं की रेकी तक कर ली गई थी, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली में भी हमले करने की ये बड़ी साजिश को लेकर कई खुलासे हुए हैं। धार्मिक नेता की हत्या करने वाले थे ये इनपुट भी मिला 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आईडी धमाके की साजिश को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण ये है कि कैसे G20 समिट भी आतंकियों के निशाने पर था। अवैध रोहिंग्या और दो बांग्लादेशी संगठनों के इस्तेमाल भी संभव है, यानी एक बड़ा नेक्सस बनाने की ये जो पूरी तैयारी और जितेंद्र जो पूरा इनपुट आपने दिया उसमें ये साफ हो गया, ना सिर्फ इलाकों की रेकी की गई बल्कि आतंकियों की ट्रेनिंग अगर डायरेक्ट तो नहीं हुई लेकिन आतंकियों ने इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया कि वो दिखा सकें कि उनकी तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीडियो शूट किया गया और उसको भेजा गया, कहीं ना कहीं ये पहले से उनको टास्क दिया गया था और ये जो टास्क था ये बकायदा जो कनाडा में बैठा है अर्शदीप दल्ला और इसके अलावा जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना बताया जाता है, साथ ही हरकत उल अंसार जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जिससे नौशाद जुड़ा हुआ था, इन दोनों आतंकियों को इन दोनों आतंकी संगठनों की तरफ से अलग अलग ये टास्क दिया गया था कि वो किसी शख्स की जो हत्या करें उसका सर जो है तन से जुदा करें, उसका वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर उनको भेजें और जब वो भेजेंगे तो उनको रिक्रूट किया जाएगा और रिक्रूटमेंट के बाद उनको बकायदा अलग से टास्क दिए जाएंगे हिंदू नेताओं की हत्या के और हर हत्या के ऊपर, हर टारगेट किलिंग के ऊपर उनको मोटी रकम दी जाएगी। इस बात का जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में, वो जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। साथ ही इससे कहीं ना कहीं ये भी साबित हो जाता है कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं।